हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष मौर्य। अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी एट लिंक्डइन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैरीटाइम सिल्क रोड के बारे में, 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, जिसमें हमने देखा था कि चाइना हिंद महासागर में किस प्रकार से जो है अपनी जो ऑयल डिप्लोमेसी है उसके तहत और ऑयल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रूट्स डेवलप कर रहा है। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं स्ट्रिंग ऑफ पोल्स स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पोल्स स्ट्रेटजी बिल्कुल बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से इंडिया को इनसर्कलमेंट करने की स्ट्रेटजी है, इंडिया को घेरने की स्ट्रेटजी है। ठीक है, इनसर्कलमेंट डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं इसको, जो इंडिया को इस तरह चारों तरफ से घेरा जा रहा है और अपनी प्रेजेंस को जो है साउथ एशियन रीजन में बढ़ाने की दृष्टिकोण से तरह जगह जगह पे जो है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन जगहों पे जो है पोर्ट्स को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और भी साथ में जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए जा रहे हैं। ये बेसिकली जो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स की जो जो नाम है ना, ये कोई पॉलिसी वैसे ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है चाइना की, लेकिन ये यूएस ने जो है ये डेफिनेशन 2004 में दिया था कि ये एक स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स स्ट्रेटजी है। स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स मतलब मोतियों की माला, आप हिंदी में अगर इसको समझना चाहे तो। ये इसमें क्या है कि एक नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसा होना चाहिए? कॉमर्शियल मिलिट्री बेस, ठीक है, उसमें वाणिज्यिक और सैन्य जो है बेस बनाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे कई सारे देशों में। ठीक है, ये याद रखो आप, कॉमर्शियल मिलिट्री बेसेस एंड पोर्ट्स इन मेनी कंट्रीज। और ये जो स्ट्रेटजी है चाइना के जो ट्रेड व्यापारिक हित हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से लेकर के आया गया है। हिंद महासागर में, चूंकि जो बहुत सारा बड़ा पार्ट उसके ट्रेड का हिंद महासागर से होते हुए आता है, और वहां पे बहुत सारे जो चोक पॉइंट्स हैं जो अगर बंद कर दिए जाए तो चाइना का जो हिंद महासागर में व्यापार है वो रुक सा जाएगा, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, लॉम्बोक स्ट्रेट, ये जो कुछ जल संधियां हैं, जो जल संधियां मतलब जो भूभागों को जोड़ने वाले जो संकरे रास्ते होते हैं पानी के समुन्दर के, उनको बोलते हैं स्ट्रेट्स। तो इनके रास्ते से होकर के जो है ये डिस्टेंस को काफी कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंट्रोल हो जाता है, किसी अदर कंट्री ने कोई रोक दिया, किसी का डिस्प्यूट हो गया चाइना का और वो बंद कर दिया गया, तो चाइना की जो का जो ट्रेड है बहुत बड़ा जो पोर्शन ट्रेड का जो हिंद महासागर से होते हुए आता है वो बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चोक पॉइंट्स एंड सी लेंस हैं जो जो हिंद महासागर में है। आप यहाँ पे देखो, ये बाबल मंदेप जो है एक चोक पॉइंट है, जो यहाँ से आप हिंद महासागर से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, यमन की खाड़ी होते हुए जो है ये पहुंच जाता है आपका बाबल मंडल स्टेट से होते हुए रेड सी में, फिर यहाँ से स्वेज कैनाल से मेडिटेरियन सी में। तो ये इससे काफी जो है इफेक्ट भी कम हो जाता है। नहीं तो पहले अगर स्वेज नहर जब नहीं थी, स्वेज कैनाल नहीं था, तो केप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे अफ्रीका, इसको होते हुए जो वास्को डी गामा ने जो मार्क खोजा था उससे होते हुए यहाँ पे जाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चोक पॉइंट है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये खाड़ी है। ठीक है, ये ऑयल रिच एरियाज हैं, जो सऊदी अरेबिया जो सबसे ज्यादा ऑयल स्टोरेज है इसके पास यहाँ पे। ठीक है, ओमान और जो अदर गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान है, कि ये ऑयल रिच रीजन है पूरा इधर पे। तो यहाँ से चाइना को अपना जो ऑयल है ना वो यहीं से लेकर के जाना पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाना पड़ता है। ये जो देखो सी लेन है ये शो कर रहा है यहाँ पे, फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए मलक्का स्ट्रेट, जो यहाँ पे सुसुंडा जल संधि दिखाई दे, सॉरी ये है मलक्का, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये सुंडा, ये मलक्का जो स्ट्रेट है, ऐसे होते हुए श्रीलंका से होते हुए मलक्का स्टेट तक आते हैं, फिर साउथ चाइना सी में एंटर करके जो है ये यहाँ तक जाते हैं। तो ये कुछ चोक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अपनी जो पोल्स जो स्ट्रिंग ऑफ पोल्स है ना, ये ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे पाकिस्तान का। तो यहाँ से जो है ये, अब ये देखो आप, आमदन टुट्टा जो है, फिर चिटगांव,
क्यूब के जो म्यांमार में है, फिर मलेशिया, इस तरीके से उसका जो है एक मोती की माला उसने बना दी। तो ये इसलिए कि यहाँ पे उनके जो मिलिट्री बेसेस होंगे, जो कॉमर्शियल बेसेस होंगे, उससे क्या है इस रूट को सिक्योर किया जा सकता है चाइना के लिए। तो ये स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स का एक कॉन्सेप्ट था चाइना का जो आया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना जो है क्या क्या स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो है, आप इसको स्ट्रेटजी ही लिखना एग्जाम में, ठीक है, इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी आप कह सकते हो, इनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी, भारत को घेरने की रणनीति। ठीक है, तो जो ग्वादर नवल बेस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सर्विलांस फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये देखो कितना क्लोज है ये हरमूज के, जो कि बहुत बड़ा यहाँ से ऑयल का एक चाइना का व्यापार होता है। ये आपका ग्वादर है, ये श्रीलंका में आप हम्बनडोटा देख सकते हो, यहाँ पे कंटेनर पोर्ट लगाया है चाइना ने। ठीक है, और ये देखो आप फूड फैसिलिटी यहाँ पे भी है चिटगांव में, सॉरी चिटगांव ये है। ठीक है, और फिर ये नावल बेस यहाँ पे देखो बनाया गया है चाइना के द्वारा म्यांमार में, सर्विलांस फैसिलिटी मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए। ये एक तरीके से चाइना की पूरी स्ट्रेटजी हिंद महासागर में है, इंडिया को घेरने की है स्ट्रेटजिकली। ठीक है, यानी इंडिया के हिंद महासागर में जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके, क्योंकि यहाँ यहाँ पे वो चाइना का वीक पॉइंट है। इंडिया के अगर इंडिया के डिस्प्यूट्स को देखा जाए, चाइना अगर वो इंडिया को यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट में फंसाने की कोशिश करता है, तो अगर इंडिया हिंद महासागर में कुछ भी कर देता है तो चाइना को उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर हैनान आइसलैंड आर्टिफिशियल एयरफील्ड्स एंड पोर्ट, गोडी आइसलैंड एयरफील्ड, साउथ चाइना सी ऑयल ड्रिलिंग एंड सर्वे, ये जो है यहाँ पे चाइना का पूरा स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स की स्ट्रेटजी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया, एक तो इंडिया का इनसर्कलमेंट होगा, इससे इंडिया चारों तरफ से चाइना से घिर जाएगा, चाइना की प्रेजेंस से घिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाइना की जो हिंद महासागर में है ना, वहां पे कोई भी ओपनिंग्स नहीं है, और यहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा अपर हैंड हासिल है इंडियन ओशन में। ठीक है, इससे अगर स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स से क्या होगा, ये जो इंडिया का स्ट्रेटजिक क्लाउट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इससे। ठीक है, मतलब इंडिया का जो रणनीतिक प्रभाव है हिंद महासागर में वो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स स्ट्रेटजी से कम हो जाएगा। जो इंडिया जिन कंट्रीज का पार्ट है, पार्टनर है, वो धीरे धीरे चाइना के करीब जा रहे हैं। आप श्रीलंका का ही देख लो एग्जाम्पल, श्रीलंका कितना ऐतिहासिक रूप से भी इंडिया से और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो चाइना के साथ चला गया। इस तरीके का इम्पैक्ट बांग्लादेश में भी है चाइना, मतलब सार्क के जो 6 कंट्रीज हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं इंडिया और भूटान को छोड़ करके। क्या होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब इंडिया अगर चाइना एक बिल्कुल ही उसके नज़दीक से उसको घेर रहा है, तो इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि इंडिया की रिक्वायरमेंट होगी कि अपने डिफेंस और सिक्योरिटी को जो है ज़्यादा मजबूत रखे। तो इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिया को डाइवर्ट करने पड़ेंगे इस फील्ड में, इससे क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगी, जो पैसा है वो यहाँ जाएगा। ठीक, तो ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी सही से, और अगर इंडिया में और स्थिरता पैदा होती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि साउथ एशिया में और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में पूरे जो है एक तरीके से इनस्टेबिलिटी फैल जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट इसका स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स का हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी इसमें क्या है कि चाइना की जो उपस्थिति है वो इंडिया कि जो सुरक्षा है ना समुद्र में, उसको
चैलेंज कर रही है। यहाँ पे चाइना बहुत सारे फायर पावर्स एंड सबमरीन को ध्वस्त करने वाले पोत और जहाज जो है लेकर के आ रहा है, जो इंडिया में मैरिन जो इंडिया के समुद्री सुरक्षा है उसको वो है प्रभावित करने की क्या एक दृष्टिकोण है, प्रभावित कर रहे हैं और इंडिया जो है इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। इंडिया चूंकि जो है अभी कुछ समय से जो है अपने फ्रॉन्टियर रीजन्स पे वो अपने फ्रंटियर रीजन्स पे इंडिया ने ध्यान नहीं दिया था उनको डेवलप करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, जिसकी जिसका आज जो है कनेक्टिविटी भी कमी की वजह से जो है इंडिया सफर कर रहा है और चाइना काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है इस रीजन में। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए, जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। तो एक तो आप बेस्ट ऑफ देखो एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, एक्ट ईस्ट में पहले जो लुक ईस्ट था हम देखा था, लुक ईस्ट जो है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन को मजबूत करने का एक दृष्टिकोण था, बेसिकली आसियान के साथ, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ। अब ये जो लुक ईस्ट एशिया है ना, इसमें एक इंडो पैसिफिक रीजन भी आप जोड़ लो, इंडो पैसिफिक रीजन को भी जोड़ सकते हैं आप। और फिर ये इंडिया का जो काफ़ी एक्टिवनेस दिखाता है कि एक्ट, इसका मतलब हम एक्ट करेंगे, जैसे कि कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना है, उनके साथ कोऑपरेशन को बढ़ाना है, ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना है। इसके लिए इंडिया अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरीके से भी संपर्क साधने में लगा हुआ है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कोलेबरेट करने में सफल हो रही है। ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट है ना वो मिलिट्री और स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट्स पर भी पड़ा, और जो कंट्रीज हैं वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनके साथ इंडिया ने कई सारे मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी किए हैं। जैसे कि अभी इंडिया ने वियतनाम को जो है मिसाइल भी दिया है। मिसाइल देने का मतलब यह है कि इंडिया अब जो है एक टिप पॉलिसी का प्रयोग कर रहा है चाइना के खिलाफ भी, आगे बढ़ करके उसको बैक में पुश करने की कोशिश कर रहा है, पीछे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंज दिखाई देता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। थाईलैंड, सिंगापुर, इनके साथ भी जो है मिलिट्री स्ट्रेटजिक एंड स्ट्रेटजिक रिलेशंस सॉरी एग्रीमेंट्स किए गए हैं इंडिया के द्वारा। मिलिट्री रिलेशंस म्यांमार के साथ जो है नेवल रिलेशनशिप इंडिया ने जो है डेवलप किया है, स्ट्रेटजिक नेवल रिलेशंस। और ये जो है नेवी को अपग्रेड करने के लिए ऐसा किया है इंडिया ने, ताकि जो है इंडिया का जो इस एरिया में प्रेजेंस है, फुटप्रिंट है, वो काफ़ी बढ़ जाए। ठीक है, नोवल मानी नौसैनिक कोऑपरेशन को स्ट्रेटजी को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ ही मिलिट्री कोऑपरेशन का भी स्ट्रेटजी इंडिया ने इस रीजन में अपनाई है और कई सारे एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ। जो एक क्वाड है, क्वाड वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है पाकिस्तान की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और मैरिटाइम सिल्क रूट को देखते हुए। इंडो पैसिफिक रीजन में जो है इंडिया इस क्वाड के मदद से, क्वाड की मदद से काफ़ी ज़्यादा हद तक चाइना को काउंटर करने में कोशिश कर सकता है। हिंद महासागर में अगर चाइना हिंद महासागर में अगर इंडियन ओशन में कर रहा है जो कुछ भी, वही जो है अगर इंडो पैसिफिक ओशन में शुरू हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन पहले चाइना का एक एक्टिव एरिया था जहाँ पे वो काम करता था, लेकिन अब इंडियन ओशन में वो अगर उसका इंटरेस्ट पड़ रहा है तो इंडिया को क्वाड को बहुत तेजी से डेवलप करने की जरूरत है। तो क्वाड आप देख लो, यहाँ पे क्वाड का रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वाड में ये इंडिया, जापान और यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया का कोऑपरेशन है। देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन इससे कवर हो रहा है, जो ये जो कंट्रीज हैं और ये दुनिया की जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये बेसिकली ये जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, सिक्योरिटी से ही रिलेटेड डायलॉग्स हैं। तो ये बेसिकली चाइना को ही काउंटर करने के लिए किया गया है, क्योंकि चाइना जो है यूएस की सुप्रीमेसी को भी
छेड़ रहा है, और इंडिया जापान का भी जो है, जापान का तो वो दूर विरोधी है क्योंकि वो पड़ोसी देश है जापान का, और जापान के साथ उसका ऐतिहासिक विवाद भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक डेवलपिंग कंट्रीज है, और ये जो पैसिफिक ओशन में इसके काफ़ी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, जो पैसिफिक ओशन के जो आइसलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ इसका काफ़ी लिंकेजेस है और उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इनको बैलेंस करने के लिए चाइना को यह एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया गया है, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हिंद महासागर में और पैसिफिक ओशन रीजन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है। चाहाबहार पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में है, ठीक है, ईरान में है, और ये लैंड एंड सी टू रूट से मतलब से जुड़ा हुआ है, लैंड एंड सी रूट से जुड़ा हुआ है, लैंड एंड सी रूट से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, हमने पहले एक बार मैप में आपको दिखाया था कि मुंबई से जो है अरब सागर में होते हुए यहाँ ईरान तक जाएगा कार्गो, और फिर ईरान से जो है ये जेहरान तक रूट बना हुआ है, जो एकदम अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया है, अफगानिस्तान है, और ये ईरान का बॉर्डर। यहाँ से डेलाराम रूट जो अफगानिस्तान में इंडिया ने डेवलप किया है, उससे होते हुए वो सेंट्रल एशिया तक का रूट इंडिया ने बनाने की कोशिश की है, ठीक, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया को जोड़ने की ये एक तरीके से का प्रयास है। और ये पाकिस्तान को बिना इंक्लूड किए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया का ऐतिहासिक विवाद है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया उसको सरपास करके आगे ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये चाबहार इंडिया को स्ट्रेटजिक पोजीशन देता है, ठीक है, जहाँ से ये इंडिया गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेटजिक ऑयल सप्लाई रूट्स तक अपनी पहुंच को बना सकता है। जैसा कि आप देखा होगा मैप में, अगर आप चाहें तो एक बार फिर से हम मैप में यहाँ पे देख के डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज ग्वादर, ग्वादर पोर्ट, और यहाँ पे है, यहाँ ईरान में, यहाँ पे चाबहार। तो आप देखो स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है इसकी, ये ओमान की खाड़ी में भी इंडिया का प्रेजेंस देता है, और जो ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी इंडिया को काफ़ी तेज महत्वपूर्ण है इसको जोड़ने में, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। फ्रांस के साथ जो स्ट्रेटजिक पैक्ट इंडिया ने किया है, ठीक है, इसमें क्या है कि फ्रांस ने अपने नोवल बेसिस को यूज करने देने की बात कही है इंडिया को, हिंद महासागर में जो नोवल बेसिस है, फ्रांस ने इंडिया को बोला है और इंडिया ने फ्रांस को बोला है कि आप हमारे नोवल बेसिस, नौ सैनिक जो बेसिस हैं उनका यूज कर सकते हो अपने वॉरशिप्स के लिए, वॉरशिप्स को यहाँ ले जाने ले आने के लिए नोवल बेसिस का यूज करें, मतलब लॉजिस्टिक पहुंच को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे क्या है कि इंडिया की जो नेवी की पहुंच है ना, वो फ्रांस के पोर्ट्स तक हो सकती है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स तक इंडिया की पहुंच सकती है, जो कि जिबूती में है, जिबूती, जिबूती जहाँ पे चाइना का एकमात्र ओवरसीज सिंगल मिलिट्री बेस है। यहाँ पे हम देखते हैं जिबूती को, जिबूती ये देखो आपने, मैंने चाबहार पोर्ट की बात करी थी, ये पिक्चर थोड़ी गलत जगह पे लगी हुई है, आई मीन दूसरे साइड में होना चाहिए था उसको। ये चाबहार पोर्ट है, ठीक है, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो आप, ये हार्मुज स्ट्रेट है और ये खाड़ी है, तो यहाँ तक इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है। जो एक गांव ग्वादर जो है पाकिस्तान का, सॉरी चाइना डेवलप कर रहा है, चाइना पाकिस्तान में, ठीक है, और ये रूट जो है इंडिया को जाहेदान जो बॉर्डर पे है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ पे भी जुड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से जेहरान और डेलाराम रोड तक जो है अफगानिस्तान में एंट्री देता है, जहाँ से इंडिया पहुंच सकता है सेंट्रल एशिया में, राइट। अब ये देखो आप, जो जब ये जिबूती का एक, जिबूती जो है ये देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो एरिया है, जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हो, यहाँ पे है जिबूती, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें चार देश हैं, कौन कौन से चार देश हैं, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, जिबूती, ठीक है, और इथोपिया,
और इरिट्रिया। ठीक है, ये देखो आप जिबूती में, ये जो जिबूती का मैंने बताया ये रीजन है जिबूती, ये पूरा जिबूती का मैप है जूम किया हुआ, आई मीन पर्टिकुलर जिबूती का मैप। ये ओबोक, एक ओबोक है, ओबोक जहाँ पे चाइना का न्यू बेस है। और जो ये क्या कहता है चाइना कि ओबोक में जो न्यू बेस है ना उसका, वो पीस कीपिंग और ह्यूमैनिटेरियन मिशन जो है अफ्रीका में करने के लिए और वेस्टर्न एशिया में करने के लिए उसकी हेल्प करेंगे, इंक्लूडिंग शिप रिपेयर्स, यानी जहाजों की को उनका रिपेयर करने के लिए, बैरेक्स एंड जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको सही करने के लिए जो है ये काफी, चाइना कहता है कि उसने यहाँ पे बना रखा है, जबकि आपको पता ही होगा कि वो स्ट्रेटेजिकली अपनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बनाए रखना चाहता है इस रीजन को, कंट्रोल अपनी कंट्रोल को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फ्रेंच फ्रेंच मिलिट्री बेस है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको इंडिया को यूज करने के लिए फ्रांस ने बोला है। ठीक है, फ्रेंच के साथ जो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर के संधि किया था उसमें जो है एग्रीमेंट्स क्या था उसमें बोला गया था। जिबूती में बहुत सारे बेसेस हैं, ये आपका यूएस का पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यूएस मिलिट्री का ड्रोन बेस है, तो जिबूती इस तरीके से जो है पूरा मिलिट्री बेसेस से ही बना हुआ एक कंट्री है आप कह सकते हो। और इंडिया जो है चाइना को उत्तर में भी घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, जैसे कि उत्तर में जो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और जो उसका चाइना का पड़ोसी है मंगोलिया, जो इनके साथ इंडिया जो है अपने रिलेशंस को काफ़ी तेजी से इन्हेंस कर रहा है और वहाँ पे पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल्स मतलब लगा रहा है पैसे। ठीक है, इंडिया हिंद महासागर में कुछ द्वीप हैं जहाँ पे नवल बेसिस और एयरफील्ड्स बनाने की के लिए एग्रीमेंट्स कर रहा है, जैसे कि सेशल्स है, सेशल्स जो हिंद महासागर में द्वीप है वहाँ पे। ठीक है, और एंड निगोशिएटेड मिलिट्री एक्सेस टू नोल फैसिलिटी टाइप एमान ओमान पोर्ट, ओमान की जो बंदरगाह है वहाँ पे भी जो है मिलिट्री एक्सेस के लिए बातचीत कर किया गया है इंडिया के द्वारा। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इंडिया के द्वारा, चाइना के जो सिल्क एंड स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स पॉलिसी है और मैरीटाइम सिल्क रूट है उसको कंट्रोल करने के लिए। ए पैक्ट अलाउइंग डिप्लॉयमेंट्स फ्रॉम ईच अदर नेवल फैसिलिटी वाज साइंड विद सिंगापुर, मतलब सिंगापुर के साथ भी इंडिया ने एक पैक्ट किया है कि जो नेवल उनके पास जो नौसैनिक फैसिलिटीज है वो डिप्लॉय करने के लिए एक दूसरे के साथ संधि किया गया है। With expanded base on Andaman and Nicobar Island at the end of the Malacca Strait, India is raising the stakes in the fight over the water in South Asia. और जो अपना विस्तार है ना, जो सॉरी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो इंडिया का बेस है उसको इंडिया बढ़ा रहा है। ठीक है, और वो मलक्का स्टेट तक कर रहा है। ठीक, तो इससे भी जो है साउथ ईस्ट एशियन जो समुद्र है वहाँ पे इंडिया अपनी इस पहुंच को काफी तेजी से इन्हेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है, बढ़ाने की कोशिश में लगा है। यहाँ पे आप एक बार फिर से इस मैप को देख सकते हैं जो इंडिया की प्रेजेंस दिखाता है हिंद महासागर में। आप इस पूरे मैप को जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आप इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, इससे आप अगर अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो आपको इसमें स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स एंड मैरिटाइम सिल्क रूट को काउंटर करने के लिए इंडिया के जो स्ट्रेटजी है उस पर काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देखो आप यहाँ एक बांग्लादेश का जो लोकेशन है यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, फाइनेंशियल एड दे रहा है एयरफोर्स को बनाने के लिए बांग्लादेश में, तो इंडिया भी प्रयास कर रहा है चाइना के ही जो डिप्लोमेसी है उसी के तहत जो है वैसे ही प्रयास के साथ इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ और देशों के साथ जो है अपने संबंधों को इन्हेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे कि म्यांमार में कंस्ट्रक्शन ऑफ सितवे पोर्ट
बनाई रहा है सितवे पोर्ट वहाँ पे इंडिया, और उसको हथियार भी दिए इंडिया ने, ठीक है। ये दोनों थाईलैंड और भारत जो है ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ पे नौसैनिक ट्रेनिंग भी दोनों के बीच में हुई। इसी तरीके से मलेशिया के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग, एयरफोर्स ट्रेनिंग, ठीक है, सिंगापुर के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज, सीमैक्स जो आपने सुना होगा, सीनेक्स, ज्वाइंट पेट्रोल्स, लीजिंग ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड्स, ट्रेनिंग ग्राउंड लीज पे दिया है। इंडोनेशिया के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना दोनों मिलके, ठीक है, हिंद महासागर में, और फाइटर जेट्स का रिपेयर करने का दृष्टिकोण, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज, ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन विथ यूएस, यूएस के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जापान, फ्रांस एंड इंडिया, इंडोनेशिया, इटिस, इन सब के साथ जो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन किया जा रहा है, ओके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो हमारे जो बेसिस है उनको आधुनिकरण किया जा रहा है। कोकोज आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी इंडिया अपनी जो है पोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मालदीव, मालदीव में प्रोविजंस ऑफ पेट्रोलिंग प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स ट्रेनिंग, डियागो गार्सिया, आप यहाँ देखो डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया आइसलैंड जो है यूएस ने कहा है लेकिन उसने अमेरिका को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी को परमिशन मिला हुआ है कि आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। श्रीलंका के साथ जो है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल बेस, ठीक है। इसी तरह ईरान कंस्ट्रक्शन ऑफ चाबहार, जैसा कि हमने देखा था, कोऑपरेशन विद द इंडियन ऑयल रिजर्व्स, यूएई के साथ, ओमान के साथ परमिशन फॉर इंडियन नेवी टू यूज पोर्ट दुक्कुम, दुक्कुम पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये ओमान का है और यहाँ पे चाइना ने इसको डेवलप किया था, इंडिया को भी इसने दे दिया है। ये देखो आप, मतलब ये बेल्ट एंड रोड एजेंसी के निगेटिव में भी लिख सकते हो आप कि लोग कैसे कंट्रीज जो है अपने पोर्ट्स को वापस BRI से वापस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। सेशल्स जो, सेशल्स आइसलैंड, ये देखो आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजिशन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मोजाम्पिक है, और यहाँ पे मोम्बासा तक जो है उसका सी मैरिटाइम सिल्क रूट आता है, तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे भी चाइना की प्रेजेंस है। तो इंडियन बेस ऑन एजम्पशन आइसलैंड, जो एजम्पशन आइसलैंड है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द पेट्रोलिंग बोट्स ट्रेनिंग, मॉरिशस, ये देखो आप मॉरिशस के साथ इंडिया का आपने सुना ही होगा जो डाउन ट्रिपिंग ट्रेड होता है वो कितना मतलब ज्यादा है, इस पर हम कभी बात करेंगे। नोवल नोवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी, प्रोविजंस ऑफ पेट्रोलिंग बोट्स ट्रेनिंग, और जो मेडागास्कर है यहाँ पे भी इंडिया का है प्रेजेंस। नोवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी है यहाँ पे इंडिया का, परमिशन फॉर इंडियन नेवी टू यूज पोर्ट्स, इंडियन नेवी को वहाँ पे यहाँ के पोर्ट्स को यूज करने का जो है परमिशन है। रीयूनियन आइसलैंड ऑफ द फ्रांस, ये देखो यहाँ पे परमिशन फॉर द इंडियन नेवी टू यूज द बेस। तो इस तरीके से आपने देखा इंडिया की जो प्रेजेंस हिंद महासागर में है वो किस तरीके से जो है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और मैरिटाइम सिल्क रूट को काउंटर करने के दृष्टिकोण से उठाए गए कदम दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे एक टॉपिक जैसे कि इंडिया चाइना ट्रेड डिफिसिट के बारे में हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी उकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक ओकू के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।